हेलो डियर, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज हम उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में समझा। लगभग सभी एग्जामों में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर संख्याओं के वर्गीकरण से एकाक नकाक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए समझते हैं, क्या हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या को हम क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम समझते हैं सिलोजियम के तरह से, यानी कोई भी संख्या होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, समरिश संख्या। मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई भी नंबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग हो गए, कौन कौन से। एक को बोलते हैं हम एक हो गया वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या हो गया, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। यानी वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर दो भाग में बढ़ गया, एक क्या हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो गई, कोई भी नंबर, और काल्पनिक संख्या जिसमें आई हो, आई मतलब अंडर रूट, जैसे -1 है, इसी को क्या बोलते हैं, आयोटा। यानी कोई भी संख्या निगेटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे 2i है, ये क्या है, काल्पनिक नंबर है। अंडर रूट -3, ये सब क्या हैं, अंडर रूट में माइनस है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या। यानी कोई भी संख्या अगर काल्पनिक होगी या तो वास्तविक होंगी। अब सभी संख्या क्या है, समरी संख्या का एक भाग है। वास्तविक संख्या में दो तरीके का होता है, या तो संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, या संख्या क्या होगी, अपरिमेय। पिछली वीडियो में इन सब के बारे में हमने डिटेल से समझा था। आज हम उसका एक रिवीजन कर रहे हैं कि किसमें क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो भाग में बट गया, कौन सा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में दो भाग हो गए, एक परिमेय, दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या आपका दो तरीके का होगा, कौन कौन सा, या तो संख्या पूर्णांक होगी, या तो संख्या क्या हो, पूर्णांक, इंटीजर इसी को बोलते हैं, या तो फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, भिन्न। या तो संख्या व परिमेय संख्या या तो पूर्णांक होगी या तो भिन्न होगी। अब पूर्णांक संख्या में आपका क्या आता है, धन पूर्णांक, 0, ऋण पूर्णांक, प्लस, सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर। इसमें क्या आएगा, नेचुरल नंबर। एक चीज़ का ध्यान दें, जैसे मान लीजिए हमारे सामने इस तरीके से है कि ये यदि ए है, ये बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी ए को हम क्या कहेंगे, बी, लेकिन सभी बी को ए नहीं कह सकते। यानी जितने ए हैं उसको हम बी कह सकते हैं, लेकिन बी वाले को ए नहीं कह सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे हम तो यहाँ पे इसमें पूर्णांक हो गया ये, और इसमें ये कौन सी संख्या आ गई, इसमें सम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी, धन पूर्णांक आ जाएगा, ऋण पूर्णांक आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगी, प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। यानी पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या है, सम है, विषम है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, ये सब किसमें हैं, पूर्णांक वाले में। यानी सभी पूर्णांक संख्या क्या है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक संख्या, जैसे ये क्या है, सभी ए बी हैं, तो सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या, और सभी परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, और सभी वास्तविक संख्या क्या है, समरिश संख्या। लेकिन इसका उल्टा ठीक नहीं होगा, यदि हम कहें जैसे कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, गलत। यानी अंदर से हम बाहर आएंगे,
जैसे इसमें, तो बाहर से हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर से बाहर वाला क्या होगा, सही होगा। यानी अगर हम कहें सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ सभी परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, ये सही है। सभी वास्तविक संख्या काल्पनिक नंबर है, गलत हो जाएगा, काल्पनिक नंबर क्या है, अलग है वास्तविक, यहाँ ये गलत। सभी काल्पनिक नंबर सम्मिलित संख्या है, हाँ सही है इस तरीके से। या ऐसे कहें सभी अपरिमेय संख्या पूर्णांक है, गलत हो जाएगा, पूर्णांक यहाँ है अपरिमेय यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इस चीज़ का ध्यान दें। एक चीज़ ध्यान दें, जैसे माइनस दो है, ये सम है कि विषम, तो सम या विषम किस संख्या का भाग होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि सम या विषम पूर्णांक संख्या का भाग होता है। यानी जैसे ये क्या है, अगर पूर्णांक संख्या ये है, इंटीजर है, तो इसका एक भाग क्या होता है, या तो सम होगा या तो विषम। यानी सम विषम किसका भाग है, पूर्णांक का। यानी माइनस वाली संख्या, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, -1, -2 डॉट डॉट, ये सब संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक। तो सम विषम क्या है, पूर्णांक का एक भाग है। जीरो को हम क्या लेते हैं, सम संख्या में। यानी पूर्णांक संख्या में क्या हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में या तो जीरो होगा या तो संख्या क्या होगी, ऋण पूर्णांक या धन पूर्णांक। यानी पूर्णांक में जीरो होगा, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। इधर क्या है, धन पूर्णांक, इधर क्या है, ऋण पूर्णांक, ये जीरो। धन पूर्णांक जीरो, इसको मिला के हम क्या कहते हैं, ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ये क्या हो गया, जीरो धन पूर्णांक को मिला देंगे, क्या हो जाएगा, होल नंबर। इसी धन पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में भी होता है कौन सा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। यानी धन पूर्णांक का, धन पूर्णांक कहें या प्राकृतिक संख्या, उसका भाग है कौन, भाज्य या अभाज्य। तो सभी भाज्य संख्या क्या होंगी, धन पूर्णांक, सभी अभाज्य संख्या क्या होंगी, धन पूर्णांक। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे प्रश्न पूछा जाए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो पूर्णांक संख्या किसमें है, परिमेय संख्या में। ये क्या है, इसमें पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या इसमें है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, मतलब सही है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी, जैसे क्या है कि ये क्या है आपका, परिमेय संख्या, इसी में क्या है, पूर्णांक, जितने पूर्णांक है सब क्या होंगे, परिमेय संख्या, जितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी सब क्या होंगी, परिमेय संख्या, ये कथन क्या है, सत्य है। दूसरा कथन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या है, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। यानी दोनों कथन क्या हो गए, सही हो गए। जैसे इसमें क्या है, अगर इस ये पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या में है, और परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक में है, तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, जितनी प्रत्येक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसमें आता है, पूर्णांक में, तो जितने भी पूर्णांक है वो क्या है, वास्तविक है, ये क्या हो गया, कथन सही, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। दूसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या में क्या है, दो भाग में है, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय। तो कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय कह सकते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या दो भाग में, तो ये हम नहीं कह सकते, प्रत्येक
प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय ही होगी, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, लेकिन ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वास्तविक संख्याएं परिमेय होंगी, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है, ये क्या है, पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय है, यानी जो छोटा वाला है बाहर है, प्रत्येक पूर्णांक क्या हो गया, परिमेय संख्या, ये भी सही है। चौथा क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या इसमें आता है, इसमें क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक, सही बात है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम पूर्णांक कह सकते हैं, यानी हम अंदर से बाहर जाएंगे तो सही होगा। जैसे इसमें क्या है, पूर्णांक में परिमेय है, पूर्णांक में पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो, सम, विषम, ये सब किसमें हैं, पूर्णांक में। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या, ये भी कथन सही, यानी कौन सा कथन गलत है, बी, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, गलत। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक धन पूर्णांक किसमें आएगा, इसमें, प्रत्येक धन पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी इसमें आ रहा है, प्रत्येक धन पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या है, ये बात क्या हो गया, सही, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही। दूसरा क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, तो ये क्या हो गया, गलत, प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होगा लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होगा, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक, अंदर से हम बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या में है, ये कथन क्या हो जाएगा, सही। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये परिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या है, तो सभी परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या, ये कथन सत्य है, यानी कौन सा सही है, पहला, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, अंडर रूट में माइनस, तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन बी क्या है, अंडर रूट माइनस टू, ये क्या हो गई, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी संख्या। अगला प्रश्न है, सभी अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, सभी अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या, सभी परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, यानी हम अंदर से बाहर को ले लेंगे, जैसे ये क्या है कि ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है, तो हम क्या कहेंगे कि सभी ए बी हैं लेकिन सभी बी ए नहीं हैं, इस चीज़ का समझ ध्यान दें, यानी जो अंदर है वो बाहर सब में आ जाएगा लेकिन बाहर वाला अंदर में नहीं आएगा, यानी सभी ए बी हैं, तो सभी अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी।